नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। माइक्रोमोल सॉल्यूशन लैब में इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, देश में कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले 1,00,000 से ज्यादा 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर कोरोना की इसे कहा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में तमाम सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं कि किस तरह से इस बार कोरोना के सिम्टम्स हैं, किस तरह से अब हमें बचाव करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम माइक्रोमोल सॉल्यूशन लैब में मौजूद हैं। देखिए, तमाम प्रिकॉशंस भी हम ले रहे हैं, लेकिन आवाज़ मेरी दर्शकों तक सही से पहुँच पाए इसीलिए मैं भी मास्क उतारूंगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो सवाल मैं मैम से करना चाहूंगी, तो आप तक आवाज सही पहुंच पाए। तो देखिए, माइक्रोमोल सॉल्यूशन लैब में मौजूद है डॉक्टर अर्चना, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कोविड को लेकर लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनकी क्या राय है, लोगों को वो क्या राय देना चाहती हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार पारुल, धन्यवाद दर्शकों मुझे दोबारा इन्वाइट करने के लिए न्यूज वर्ल्ड के चैनल पे। बिल्कुल मैम, देखिए मैं जानना चाहूंगी एक डॉक्टर की जुबानी कोविड-19 होता क्या है। पारुल, कोविड-19 एक डिजीज है जो कोरोना वायरस से होती है, सार्स कोविड 2 से होती है। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसमें सार्स कोविड 2 रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है, जो कि WHO ने दिसंबर 2019 में उनको जब बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे वुहान सिटी जो चाइना में है वहाँ से, कि निमोनिया कॉज हो रहा है उससे, तो तब उन्होंने उसको पब्लिश किया था 2019 दिसंबर में कि कोरोना वायरस एक वायरस है सार्स कोविड 2 का, जो कि कोविड-19 डिजीज कॉज करता है। ठीक है मैम, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इस बार कोरोना की क्या सिम्टम्स है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वाला कोरोना नया है, पिछले साल कुछ और सिम्टम्स थे, इस साल कुछ और सिम्टम्स हैं। पारुल, अगर सिम्टम्स की बात करें तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स पिछले साल और इस साल सिमिलर ही हैं। कोरोना वायरस के जो जनरल सिम्टम्स हैं उसमें ये रहता है कि बुखार होता है, हल्का बुखार रहता है, और कभी कभी किसी पेशेंट को तेज़ बुखार भी हो सकता है, और बॉडी एक रह सकता है, मसल पेन हो सकता है, थ्रोट पेन हो सकता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, और अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख लगना कम हो जाएगा जिसमें, और चेस्ट पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है। ये सब नॉर्मल कोरोना वायरस के सिम्टम हैं जो कि पिछले साल और इस साल सेम ही हैं। ठीक है, यानी कि इस बार सिम्टम्स कुछ ज़्यादा नए नहीं हैं, पिछले साल जैसे सिम्टम्स थे वो इस साल भी सिम्टम्स सेम ही हैं। ठीक है मैम, अगर स्ट्रेन की बात की जाए, देखिए अब जो केसेस लगातार सामने आ रहे हैं वो बाहर के स्ट्रेन्स के आ रहे हैं, UK स्ट्रेन, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के, ये स्ट्रेन जो हैं वो अब भारत में मिलने लगे हैं, ये क्या है? UK स्ट्रेन क्या है, ब्राज़ील स्ट्रेन क्या है? देखिए, अगर जनरल वायरोलॉजी की बात करें तो जब भी हम कोई भी कोरोना की बात करें या और भी किसी वायरस की बात करें, तो जैसे UK से जो स्ट्रेन मिल रहा है या ब्राज़ील से जो स्ट्रेन मिल रहा है, साउथ अफ्रीका से, और भी अब तो न्यूयॉर्क स्ट्रेन भी आ रहा है, तो लेकिन सारे वायरसेस का यही है कि वायरसेस का जीनोमिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया से वो स्ट्रेन मिलते हैं तो हम उस, अब जैसे UK में एक पर्टिकुलर स्ट्रेन मिल रहा है, हो सकता है कि वही स्ट्रेन, सिमिलर स्ट्रेन ही इंडिया में मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, UK के स्ट्रेन पहले वाले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से थोड़े से लीथल तो हैं ही, दिक्कत हो रही है उनसे और थोड़े डेंजरस हैं, तो उससे सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, आगे डीप में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहूँगी कि केसेस, देखिए फरवरी की बात करें तो केसेस 7,000 से 8,000 हो गए थे, बहुत कम हो गया था, सबको लग रहा था कि अब हम धीरे धीरे कोरोना पर जीत पा लेंगे, लेकिन अब देखिए फिर से 1,00,000 की संख्या में 24 घंटे में केस आ रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये रीज़न हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस जो है, स्पेशली जैसे UK स्ट्रेन आई तो वो जल्दी जल्दी फैलती है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती है, तो लोगों ने बहुत ही केयरलेसनेस दिखानी शुरू कर दी है, मॉल्स में घूमना शुरू कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है, तो थोड़ा उनकी जो केयरलेसनेस है उसका भी नतीजा हो सकता है कोरोना वायरस का ये दोबारा जो लहर आना। ठीक है मैम, अब स्ट्रेन की बात हो गई, लापरवाही की बात हो गई, अगर किसी को कोरोना हो जाता है उसे क्या होता है, फिर किस तरह से उसे बचना चाहिए? देखिए, अगर किसी को कोरोना पता चल जाए कि पहले तो सिम्टम ही जनरेट होते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे बुखार है, खांसी जुकाम है, मसल पेन है, या फिर बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इशू आ रहा है, तो उसे एक क्लिनिशियन या डॉक्टर की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर एक जनरल टेस्टिंग के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी भी पेशेंट को जिसको ये सब दिक्कतें आ रही हैं कोरोना ही हो, और उससे मिलता जुलता कुछ वायरस हो सकता है, या भी कुछ और भी वायरसेस होते हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है,
तो जो भी क्लिनिशियन होगा वो एक जनरल टेस्टिंग लिख सकता है जिसमें पॉसिबल है वो मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, लिवर की जांच, किडनी की जांच, ये सब लिखे और साथ में कोरोना भी लिखे। तो जब ये सब डॉक्टर लिखेगा तो एक पेशेंट या एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो बगल के किसी भी आसपास के लैब में जाएं और जांच कराएं। बिल्कुल मैम, देखिए कोरोना के क्या बहुत लॉन्ग टर्म तब इफेक्ट रह सकते हैं? पारुल, ये मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि इंडिविजुअल इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे किसी की उम्र ज़्यादा है, 60+ एज है, या बच्चे हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, तो उनके ऊपर कोरोना के लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखे जा सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स या यंग एज के जो लोग होते हैं उनके कंपेरिजन में। तो उनके उनको लंबे टाइम तक सिम्टम भी रह सकते हैं और पॉसिबल है कि लंबे टाइम तक पॉजिटिव भी आते रहें। हमारी लैब में हमने कम से कम 2 महीने तक किसी भी एक पेशेंट को पॉजिटिव होते हुए देखा है। ठीक है मैम, लेकिन देखिए अगर एक इंसान को खुद को प्रोटेक्ट करना हो या अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना हो जबकि पता है सामने वाला कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, वो कैसे करें, प्रोटेक्ट कैसे करें हम अपने आप? पारुल, सबका यही तरीका है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है क्योंकि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है। तो ड्रॉपलेट जो जाती है कम से कम 1 गज तक तो जाती ही है, तो 1 गज या 1 गज से ज़्यादा, या जैसे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, जहाँ 2 गज की ज़रूरी गज की दूरी मेंटेन करना पॉसिबल ना हो वहाँ पे कम से कम मास्क, और मास्क तो पहनना ही है, मास्क पहन के रखिए और कोशिश कीजिए कि क्राउड या ऐसे बहुत ज़्यादा पब्लिक जहाँ पे मूवमेंट करती है उन एरियाज़ को अवॉइड कीजिए। ठीक है मैम, लेकिन अगर फिर भी कोई इंसान कोरोना पॉजिटिव आ गया फिर किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, अब हम सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। अगर किसी इंसान को कोरोना फिर भी हो जाए या किसी ऐसा मतलब एक्सपोजर हो जाए वायरस का, तो सबसे पहले तो वायरस के एक्सपोजर के बाद हमें पता चलता है कि हमें सिम्टम हुए हैं या नहीं हुए, ठीक, किसी ऐसे बंदे को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदे को सिम्टम हो सकते हैं और हो सकता है कि दूसरे बंदे को सिम्टम ही ना हो। तो जिस बंदे को सिम्टम होंगे वो तो पहले जाके डॉक्टर से मिलेगा, टेस्ट कराएगा, तो उसे पता चल जाएगा उसे कोरोना है। लेकिन अगर जिसको कोरोना हो गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आसपास जो भी लोग हैं जिन जो उसके टच में आए थे या जिनसे वो मिला था जाके, जहाँ जहाँ वो गया था, वो उनको इन्फॉर्म करे कि मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो आप भी अपने आप को क्वारंटाइन में रखिए। बिल्कुल मैम, देखिए आप अभी सिम्टम और ना सिम्टम होने की बात कर रही हैं, तो एक होता है कोरोना सिम्टमेटिक और एक होता है असिम्टमेटिक, कितना दोनों में कितना फर्क है और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वाला है? देखिए, दोनों ही टाइप के कोरोना, भले वो सिम्टमेटिक हो या असिम्टमेटिक हो, दोनों ही टाइप के कोरोना खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी इंसान को जिसको सिम्टम हो रहे हैं दिख रहे हैं, वो क्योंकि उसने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया, अपनी सावधानियां ले ली, इलाज कर लिया, दवाइयां ले ली, तो वो ठीक हो गया। लेकिन जिसको सिम्टम ही नहीं है, उसने क्योंकि वो कैरी कर रहा है, पॉसिबल है वो ऐसे लोगों से मिले जिनकी इम्यूनिटी कम हो, तो उनको ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि वो एक कोरोना वायरस के पेशेंट से एक्सपोज होके अपने आप को अपने अंदर वायरस कैरी करके घूम रहा है। तो अगर वो ऐसे मतलब कैरियर है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो पॉसिबल है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर दे। बिल्कुल मैम, देखिए पिछले साल से जब से कोरोना की शुरुआत हुई है 2 शब्द का जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्वारंटीन और आइसोलेशन, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, क्वारंटीन का मतलब ये है कि जैसे अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं और आपको वायरस का एक्सपोजर हो गया है, अब आपको पता चल गया है कि आपको वायरस का एक्सपोजर हो गया है, आपने खुद को ही घर में ही सेपरेट कर लिया है पूरी सावधानी के साथ। अब घर में भी सेपरेट करने का पर्पस ये होता है कि, और आपको ऐसे ही करना है कि घर में आप अपने घर वालों से भी डिस्टेंस बना के रखिए, जब तक आप कम से कम, देखिए क्वारंटाइन भी कम से कम 14 दिन तक करना ही चाहिए, आपको ऑफिस जहाँ तक हो सके नहीं जाना है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, और 14 दिन तक कम से कम अपने आप को सर्वेलेंस में ज़रूर रखना है कि जैसे आपको कोई सिम्टम जनरेट हो रहे हैं नहीं, और घर में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख लीजिए, घर को वेल वेंटिलेटेड कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि जैसे पंखा होता है, पंखे से एरोसोल्स बनते हैं, तो फैन को अवॉइड कीजिए, एसी चला सकते हैं,
और घर की खिड़कियां थोड़ी खोल भी सकते हैं जिससे रूम वेंटिलेशन में रहें। आइसोलेशन में अगर हम बात करें तो जैसे किसी पर्सन को कोरोना हो गया है, वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसको सिम्टम भी हैं, अब सिम्टम जनरेट हो रहे हैं, रिपोर्ट भी आ गई है पॉजिटिव, तो उसने किसी हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटलाइजेशन लिया, किसी क्लिनिशियन से मेडिकेशन या ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और वो फिर 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट या औरों से सेपरेट किया किसी पर्टिकुलर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर, और ये सब अपने आप को सर्वेलेंस में रख के वो घर में भी कर सकता है किसी क्लिनिशियन की गाइडलाइंस के अंडर। ठीक है मैम, ये आइसोलेशन और क्वारंटीन की बात हो गई। कोरोना के टेस्ट कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं कोरोना के? पारुल, अगर टेस्ट की बात करें तो कोरोना के टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं। आज मैं जो हमारा इंटरव्यू है उसमें 4 तरीके के टेस्ट की बात करूंगी। एक रैपिड एंटीजन RT-PCR जो जनरल पब्लिक करा रही है, और CBNAT और TrueNAT। इनमें से माइक्रोमोल में रैपिड एंटीजन, RT-PCR और CBNAT टेक्निक्स होती हैं। CBNAT TrueNAT टेक्निक के टाइमिंग्स थोड़े कम होते हैं, और अगर मैं CBNAT की बात करूँ तो कार्ट्रिज बेस्ड टेस्टिंग जो जीन एक्सपर्ट से हम करते हैं उसकी एक्यूरेसी भी 99% है, जो नॉर्मल RT-PCR और रैपिड एंटीजन या TrueNAT से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जीन सीक्वेंसिंग के टेस्ट भी होते हैं लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। CBNAT और TrueNAT भी नॉर्मल RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेक्निक से महंगे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, तो अगर कोई इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी अगर किसी पेशेंट की है और टाइम भी कम है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या डायलिसिस करना है, टाइम कम है, तो वो CBNAT टेक्निक और TrueNAT टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है और सिर्फ आपको जाँच करवानी है तो रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों स्क्रीनिंग एंड कन्फर्मेटेड टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, दोनों इकट्ठे ही कराने चाहिए, क्योंकि रैपिड एंटीजन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके रिजल्ट आधे से एक घंटे में ही आ जाते हैं, और वो सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू CBNAT और TrueNAT। लेकिन अगर उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर बहुत अच्छे पॉजिटिव केसेस होंगे तभी रैपिड एंटीजन में पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि वो एक कार्ड बेस्ड टेस्टिंग होती है, जैसे हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट या प्रेगा न्यूज़ वगैरह, वैसे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी एसेज होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल RT-PCR। नॉर्मल RT-PCR की रिपोर्ट अगर आती है वो आती है नॉर्मल लैब्स में 16 से 18 घंटे में। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो पेशेंट को RT-PCR की रिपोर्ट तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नहीं, ये तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि रैपिड एंटीजन के टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहे हैं, RT-PCR के रिज़ल्ट फिर भी पॉजिटिव आ सकते हैं। और अगर आपका RT-PCR का रिज़ल्ट नेगेटिव भी आए और आपको सिम्टम है या सिमिलर टाइप के सिम्टम हैं जैसे कोरोना वायरस के होते हैं, और आपके और टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ भी नहीं रूल आउट हो रहा है, फिर भी आपको उसी तरीके से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या गाइडलाइन फॉलो करनी है जो एक कोरोना वायरस पेशेंट को फॉलो करनी होती है। सेल्फ आइसोलेशन ज़रूरी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को या डॉक्टर को ज़रूर अप्रोच करना है, और अपने आप को सर्वेलेंस में ज़रूर रखना है कि कोई बॉडी में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, अगर मैं आपकी लैब की बात करूँ माइक्रोमोल सॉल्यूशंस की, तो एक दिन में कोरोना के कितने टेस्ट होते हैं यहाँ पे? हमारे माइक्रोमोल की बात करें, क्योंकि माइक्रोमोल एक स्पेशलाइज लैब है, इसमें रूटीन टेस्ट के अलावा बहुत सारे और स्पेशलाइज टेस्ट भी होते हैं, जैसे VK वायरस, CMV, हेपेटाइटिस बी, HCV RNA। कोरोना पेशेंट की बात करें तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर वही पेशेंट आते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या डायलिसिस कराना है, तो कोरोना के पेशेंट तो उतने हम केटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन और पेशेंट हमारे पास ज़्यादा हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ट्रांसप्लांट वगैरह के। बिल्कुल मैम, क्या कोई ऐसा टेस्ट भी होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें पास्ट में कोरोना था या नहीं था? ज़रूर पारुल, हमारे पास एक एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है IgM और IgG टाइप की, कोविड की माइक्रोमोल में होती है, हम अल्फा टेक्निक से करते हैं जो कि एक बेहतरीन टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कोविड IgM और IgG टेक्निक से पता चलता है कि आप पास्ट में कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, और आपके शरीर में इम्यूनिटी आ गई है नहीं आ गई। कभी कभी किसी पेशेंट को सिम्टम ही नहीं होते लेकिन वो कोरोना से इन्फेक्ट होके रिकवर होके खुद ही ठीक होके एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, तो उस केसेस में उनके कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाते हैं।
बिल्कुल मैम, देखिए ये टेस्ट की बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी कोविड पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आ गया, उसे क्या करना चाहिए, फिर किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए पारुल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार यही बता रही हूँ कि जो भी इंसान कोविड 19 पेशेंट के, आजकल आप यही सोच के चलिए कि हर दूसरा पेशेंट, हर दूसरा इंसान हो सकता है कैरियर हो सकता है या इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, हमें पता नहीं है क्या है। तो जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन गाइडलाइन है वो ज़रूर फॉलो करनी है। आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। जहाँ जैसे घर में है तो साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए, क्योंकि साबुन और पानी सबसे अच्छा हैंड सैनिटाइज़र होता है। लेकिन जहाँ पे साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र, स्पेशली अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को हम लोग प्रमोट करते हैं। 70-75% अल्कोहल अगर किसी में प्रेजेंट है सैनिटाइज़र में, तो वो सैनिटाइज़र अच्छे होते हैं जो कि किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को से सैनिटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो कितना समय लग जाता है सिम्टम्स डेवलप होने में? पारुल, अगर सिम्टम की बात करें वो फिर से वही बात है कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई इंसान 1-2 दिन तक ही सिम्टम दिखाता है, कोई कोई इंसान हो सकता है 10-14 दिन में ही सिम्टम दिखाए। तो जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 0 डे से स्टार्ट कर होकर 14 डेज तक कोई भी इंसान सिम्टम दिखा सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना वायरस का 0-14 डेज है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक की बात करूं या जनरल एक पेशेंट की बात करूं तो नॉर्मली 3-5 डेज में सिम्टम जनरेट हो जाते हैं, जिसमें कि सिम्टम्स हमने पहले भी बता दिए, हेडेक हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, हल्का माइल्ड क्या फीवर भी हो सकता है और थ्रोट पेन हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, मसल पेन, फटीक, ये सब हो सकता है। ठीक है मैम, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, वो होम क्वारंटीन में है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए पारुल, अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसके पास इतना इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है या विल पावर नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहता किसी मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, तो मेरा एडवाइस ये है कि वो घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग, जनरल स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन है वो फॉलो करे। और जैसे हम लोग खुद भी करते हैं, काढ़ा पीते रहते हैं जिसमें हम अजवाइन, इलायची, अदरक, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं, विटामिन सी लेते रहते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो ये मैं एडवाइस करूँगी किसी क्लिनिशियन के संपर्क में हमेशा रहें, क्योंकि क्लिनिशियन ही बता पाएगा अल्टीमेटली आपको कब मेडिकल एडवाइस या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। बिल्कुल मैम, ये तो घर के नुस्खे हो गए कि यानी कि काढ़ा वाड़ा पी के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होती हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए? क्योंकि कोविड 19 एक वायरस है, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही इफेक्टिव होती हैं, तो वायरस के अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैम देखिए पिछले साल जब कोविड आया था तो 3 स्टेज इसकी बताई जा रही थी, एक था कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो क्या इस वाले कोरोना की जो दूसरी लहर है क्या इसका भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है? पारुल, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अभी जो दूसरी लहर कोरोना की आई है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है, यही रीज़न है कि दूसरे वाला कोरोना जल्दी फैल रहा है। तो अभी मैं दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि दूसरी लहर में ज़्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फास्ट, तो लोगों को इन्फेक्ट जल्दी कर रहा है। तो प्लीज़ और मेहरबानी करके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो कीजिए और जहाँ तक हो सकता है सोशल गैदरिंग और क्राउड में जाने से बचें। बिल्कुल मैम, देखिए अगर हम कोविड पॉजिटिव है कोई एक इंसान, तो क्या बेटर है घर पर ही टीम बुलाकर अपना टेस्ट कराना या जाकर टेस्ट कराना किसी लैब में? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है अगर कोई खुद पॉजिटिव इंसान जाएगा तो हो सकता है उसके आसपास के 2-3 लोग और संक्रमित हो जाए, तो बेटर क्या है? देखिए पारुल, मेडिकल फैसिलिटीज तो लिमिटेड ही हैं, लैब्स भी लिमिटेड ही हैं, हालांकि सरकार उनको इंक्रीज करने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन मैं दर्शकों से अपील करूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, सिम्टम है, तब भी आप किसी नियर बाय मेडिकल फैसिलिटीज़ को विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो लैब में विजिट करने से पहले या बुकिंग करने से पहले उनको बता दीजिए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ये मानती हूँ कि लैब वाले समझते हैं, और होम सैंपल कलेक्शन के लिए हम लोग खुद भी माइक्रोमोल में प्रमोशन करते हैं उसकी, कि अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं या जिसको सिम्टम है, अगर आप बुज़ुर्ग हैं
या फिर बहुत ज़्यादा एक ही घर के कलेक्शन होते हैं तो हम उनको होम कलेक्शन के लिए प्रमोट करते हैं उस टाइम। बिल्कुल, देखिए मैम मैं एज ग्रुप की बात करूं, अगर ये वाला नया जो स्ट्रेन है कोरोना का वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस एज ग्रुप को कर रहा है? पारुल, अगर स्ट्रेन की बात करें या कोरोना की बात करें या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, तो उसमें एज सच कोई भी एज ग्रुप होता नहीं है, लेकिन वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया किसी भी एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है, भले हम बच्चों की बात करें या बुज़ुर्गों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें। लेकिन जहाँ तक अगर एज ग्रुप की बात अगर हम कंसिडर करें तो 60 प्लस जो एज होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनको पहले से किडनी या लिवर डिजीज़ होती है या ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो उस एज ग्रुप में या बच्चे जो अभी अभी बहुत ही यंग होते हैं, 10 साल या 15 साल से छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो उस एज ग्रुप को कोरोना वायरस या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए सिम्टम की बात हो गई, टेस्ट की बात हो गई, हर चीज़ की बात हो गई, अब वैक्सीन पर आते हैं। देखिए वैक्सीन आ गई है कोरोना की और अभियान भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, वैक्सीनेशन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी एक भ्रम है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पारुल, अगर वैक्सीनेशन की बात करें, जैसे जनवरी से ही वैक्सीनेशन भारत में आ गया था, तो वैक्सीनेशन सबको ही लगवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन से कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन होती ही है, लेकिन वैक्सीनेशन से पूरी तरह से प्रोटेक्शन होती है कि जैसे अगर हमें वैक्सीनेशन लग गया तो हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं और आ रहे हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और री इन्फेक्शन के केसेस भी आ रहे हैं। तो अगर किसी को वैक्सीनेशन लग गया है या जिस इंसान को पूरा पहले भी कोरोना हो चुका है उसको हो सकता है कि एंटीबॉडी डेवलप भी ना हुए हों, या कई बार होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते, तो उस केस में भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है आइसोलेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, प्रिकॉशन की, हैंड सैनिटाइजेशन की, वो फॉलो करते रहना है। ये आपको ऐसे नहीं मानना है कि आपको वैक्सीनेशन हो गया है तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए और मास्क वगैरह छोड़ दीजिए। और जैसे जैसे आपका नंबर आ रहा है एज ग्रुप कैटर कर रही है गवर्नमेंट, पहले जैसे 60 प्लस एज को लगाया, आप 45 एज ग्रुप को लगा रहे हैं, जैसे जैसे आपके एज ग्रुप का नंबर आ रहा है वैसे वैसे आप जाके किसी भी कोरोना केंद्र में जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है वहाँ पे आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल मेरा यही है कि प्रोटेक्शन क्या लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते आप ही अच्छे से बता पाएंगी कि क्या प्रोटेक्शन लोगों को लेनी चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। पारुल, हम बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं और पूरे इंटरव्यू में, पिछले इंटरव्यू में हमने यही बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, हमेशा मास्क पहन के रखना है, सोशल गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, जहाँ पे पॉसिबल हो क्राउड में नहीं जाइए, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहिए, जैसे आज मैंने बताया कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को यूज़ कीजिए, स्पेशली 70-75% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को यूज़ कीजिए, और मास्क हमेशा पहन के ही रखना है। तो देखिए ये थी माइक्रोमोल सॉल्यूशन की डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना बरगोता। मैम बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद पारुल, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, ताकि मैं दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। ये जो भी मैंने जानकारी आपको दी है मैंने WHO की गाइडलाइन फॉलो करते हुए दी है। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीद करती हूँ कोरोना को लेकर जो भी तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, चाहे सिम्टम्स को लेकर, चाहे टेस्ट को लेकर, प्रिकॉशंस किस तरह से लेने हैं, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर अर्चना ने जो भी कुछ आप लोगों को बताया है वो आपके लिए काम आएगा और सावधानी आप लोग बरतेंगे। डॉक्टर स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।